नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। मैं राजन बडयाल ते पेश न इस वेले दी खबरां। दिल्ली दे साबका मुख सचिव के शर्मा गवर्नर सत्यपाल मलिक हुंदे चौथे सलाहकार नियुक्त कीते गए न। गैड आसिया जारी एक हुक्म मुजब उंदा कार्यकाल जदों कोला ओह अपनी कुर्सी बौंगन तदों तवां मन्ने जाग। कठुआ दे बिलावर दे सीरी ग्रां दे रौहणे वाले के शर्मा 1983 बैच दे IAS अधिकारी न ते उनेंगी शिक्षा, कृषि ते किश होर दूए विभाग दित्ते जाई सकदे न। ओह गोवा दे मुख सचिव दे कन्नै गै HRD च उच्च शिक्षा सचिव दे अहुदे उप्पर भी रही चुके दे न। चौथे सलाहकार दी नियुक्ति दे कन्नै गै एह कयास लाया जा करदा है जे बिचकार दिसंबर थमां राष्ट्रपति शासन भी लगी सकदा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ते जम्मू कश्मीर मामले के प्रभारी अविनाश राय खन्ना और किश्तवाड़ का दौरा करने के परैंत कल संझा ले जम्मू के राजभवन च गवर्नर सत्यपाल मलिक हुंदे कन्नै मलाटी करियै उनेंगी किश्तवाड़ की ताजा स्थिति ते कन्नै गै किश्तवाड़ दौरे के बारे च विस्तारपूर्वक जानकारी दी। विधायक सत शर्मा ते सुनील शर्मा भी इस मौके उंदे कन्नै हे। बाद च राजभवन दे बाहर उन्हें मीडिया के लोगों की इहदे बारे दस्सिया। सबसे पहले तो जे एक ऐसा इंस्टांस है जो नेशनलिस्ट सोच के लोग हैं उनको किसी ना किसी ढंग से दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके परिवार में भी मिले, आप बाकी कार्यकर्ताओं से मिले, सुशील जी और साथ जी हमारे साथ थे, तो कार्यकर्ता का मनोबल डाउन ना हो, वहाँ के जो मिनोरिटी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उसका मनोबल डाउन ना हो उसके लिए जब हमने उनसे बात की कि चाहते क्या हैं, तो एक तो इमीडिएटली वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और SSP को वहाँ उनके घर भेजा गया, जाके उनसे बातचीत करें और उनके मन में क्या है वो देखें, और दूसरा वहाँ के लोगों का मनोबल बना रहे उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रांगली काम करे। बड़ी बात है कि इन जो अपराधी हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, उसके लिए भी DG को भी, DG साहब को, DGP को फ़ोन किया गवर्नर साहब ने कि मुझे इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, और बाकी जो उनकी मदद है किस ढंग से हो, बड़ी बात कि वहाँ पर लोगों का मनोबल बना रहे उसकी चिंता जो है वो ज़्यादा की है। देखिए, ये फेल्योर तो है, मैं क्योंकि जिस ढंग से ढीला रवैया रहा एडमिनिस्ट्रेशन का वो फेल्योर तो है, लेकिन आगे से ऐसी बात ना हो, ये रिपीट ना हो, उसके लिए हमें चिंता है। बड़ी चिंता है कि वहाँ पर लोगों का जो मोरेल है वो डाउन ना हो, वो भी बड़ी चिंता है कि वो देश का झंडा लेकर अपने वो लोग खड़े हैं तो उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हमें चिंता है। और गवर्नर साहब ने पूरा अश्योरेंस दिलवाया है और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, जिस क्विकली उन्होंने जो जो बात हमने कही, जो उनसे बात शेयर की, उसका उन्होंने फॉलोअप किया है। वार्ड नंबर 59 थमां कारपोरेटर अशोक मनास होरें किश्तवाड़ च भारतीय जनता पार्टी दे लीडर अजय अनिल परिहार ते अजीत परिहार हुंदी होई दी हत्या गी लेइयै उंदे चेते च मोमबत्ती बाली इक मार्च कड्डिया, जिस च शामिल लोकें उंदी आत्मा दी शांति गी लेइयै भगवान थमां कामना कीती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अनिल परिहार जी हमारे, अनिल परिहार जी हमारे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अनिल परिहार जी हमारे। और सब लोग बैठो, क्या होगा यात्रा करो, एक बड़ी दुखद जो हमें थोड़े दिन पहले मिला था कि अनिल परिहार जी और अजीत परिहार जी दोनों भाई, दोनों का मिलिटेंटों ने जिनका कत्ल कर दिया था, वो हमारे एरिया में जहां परोड़ा टॉप में वो रहते थे, और जब भी वो यहां पे आते थे अनिल परिहार जी इतने अच्छे मतलब वो थे कि जब भी यहां पे हमारे परोड़ा टॉप में आते थे हमें सब लोगों से मिलते थे और बहुत अच्छी तरह से सबके साथ मिलते थे और बहुत ही नेक आदमी थे। और आज हमें बहुत दुख है कि हमारे यहां वो जब भी आते थे तो हम लोगों से मिलते थे, और आज जितने भी हमारे बाढ़ के लोग हैं सारे इकट्ठे होके उनकी याद में आज हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। रियासती मुख सचिव BBR सुब्रमण्यम होरें राज्य स्तर की डिस्ट्रीब्यूशन
रिफॉर्म कमेटी की बैठक की कल अध्यक्षता की। इस बैठक का मकसद केंद्र आसिया प्रायोजित कई फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा करना मुख सचिव होरें इस मौके उपर आखिया जे बिजली राज्य की अर्थव्यवस्था ते विकास ते लोगों की मूलभूत जरूरतें के लिए अत जरूरी है, इसीलिए बिजली की परियोजनाएं की पूर्ण होने च चिर नहीं लगना लोड़दा है। शोपियां के जैनपुरा इलाके च कल सुरक्षा बलों ते आतंकवादियों के दरमियान टाकरा हुआ, जिस च दऊं आतंकवादियों की मारी मकाया गया। इस संबंध च हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी गुटा ने इसकी जिम्मेवारी लैती। आतंकवादियों एक ग्रां च छपे होने की सूह थोने के परैंत सुरक्षा बलें ग्रां की घेरे च लैता ते इस दौरान दुपक्खिया गोलीबारी आरंभ हो गई। आतंकवादियों सुरक्षा बलें उपर गोलियां चलाईयां, जवाबी कार्रवाई च दोनों आतंकवादियों की मौत दा मुंह दिखना पिया। एक आतंकवादी की पंछान मुहम्मद सजीज उर्फ छोटा अबरार के तौर पर हुई है, जबकि दूगे की पंछान आमिर हुसैन उर्फ आबू सोहान के तौर पर की गई है। मुथवेड़ वाली थाना थमां बड़ी वध गिनती च हथियार ते असला बारूद बरामद किया गया। सेना की टाइगर डिवीजन आसिया अज जनरल जोरावर सिंह सभागार च आयोजित एक कार्यक्रम है, दौरान आर्मी हॉट बैलूनिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया, जिस टाइगर डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल शहीद कुमार और इसी झंडी दसी रवाना किया। इस प्रदर्शनी की दो मुख मकसद है, जे ए संदेश देना है जे कश्मीर च थमां लेइयै कन्याकुमारी धोरी भारत एक है, ते दूगे नौजवानों की सेना च शामिल होने के लिए प्रेरित करना भी इहदा मुख मकसद दस्सिया जा करदा है। अब तक इस खेल ने काफी